दोस्तों नमस्कार। आज मकर संक्रांति का पर्व है और मकर संक्रांति पर खिचड़ी का विशेष महत्व है। इस पर्व पर उड़द दाल की खिचड़ी बनाई जाती है, तो आज आपके लिए पेश है उड़द दाल की मटर मखाना खिचड़ी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और ये झटपट पक भी जाती है। जैसे जब भी आपका मन करे आप इसे तुरंत पका सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे हम बनाना। ये हमने ली हुई है 1 कटोरी काली उड़द, इसे हम एक कुकर में डालेंगे। इसके साथ ही हमने लिया हुआ है 1 कटोरी चावल, तो चावल को भी हम कुकर में डाल लेंगे। अब इन दोनों को मिक्स करके हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो ये हम उड़द की दाल की खिचड़ी बनाने के लिए हमने दोनों को बराबर मात्रा में रखा हुआ है, 1 कटोरी चावल तो 1 कटोरी उड़द की दाल काली वाली। अब हम इसे अच्छी तरह से रगड़ के वाश कर लेंगे। 3 से 4 पानी, पानी कितना काला काला सा निकल रहा है। तो हमने दाल चावल को अच्छी तरह से साफ कर लिया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे 3 ग्लास पानी। दो ग्लास अभी 3 ग्लास पानी हमने डाल दिया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इसे डाल के हम कुकर को बंद करके 3 सीटी लगाएंगे। गैस जला ली हुई है, अब इस पर रखेंगे हम अपने कुकर को। कुकर को हमने गैस पर रख दिया हुआ है, हम 3 सीटी इसको पकाएंगे। मेरा दाल चावल कुकर में पक रहा है, सीटी लगेगी, तब तक हमने ये 4 टमाटर रफली काट रखे हैं। इसे हम डालेंगे एक मिक्सी जार में सारे टमाटरों को। इसका हम एक पेस्ट बनाएंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 बड़ी इलायची, एक हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है, साथ ही 1 मिर्ची को डाल के हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो ये हमने अपने टमाटर का पेस्ट बना लिया हुआ है। अब इस पेस्ट में हम डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच और हल्दी पाउडर। इन सबको डाल के हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक मेरे कुकर में सीटी आएगी तब तक के लिए हम इसे छोड़ देंगे। अब मेरे कुकर में सीटी आने लग गई, अब हम इसे गैस को ऑफ कर देंगे। 3 सीटी मेरी हो चुकी है, मेरा चावल दाल पक चुका है। अब हमने गैस को ऑफ कर दिया हुआ है। अपनी खिचड़ी में डालने के लिए हमने 1 आलू को छोटे पीस में काट रखा है, साथ ही हमने 1 गाजर को काट रखा है छोटे पीस में, और साथ ही ली हुई है 1 कटोरी हरी ताजी मटर। अब हम अपने कुकर को खोल ले रहे हैं। मेरे दाल चावल अच्छे से पक चुके हैं, इसे हम चला के चेक करेंगे। तो ये मेरा आधा से ज़्यादा पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जो गाजर हमने काट के रखी हुई है, इसमें हम अपनी काटी हुई सारी सब्जियों को डाल देंगे। के साथ ही हम डाल देंगे जो हमने टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था, इसे भी हम इसी समय इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मेरा कितना अच्छा सा मिक्स हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी। इसे हमने जो हमने जार में टमाटर पीस रखा था उसी में हमने 1 कटोरी पानी डाला हुआ है, उसी के पानी को हम इसमें डाल देंगे और साथ ही हम इसमें 1 सीटी और लगाएंगे। अब ढक्कन को लगा के हम इसे 1 सीटी और पकाएंगे। ये हमने गैस पर रख दिया हुआ है। अब हमने अपनी कढ़ाई चढ़ा ली हुई है आँच पे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। जब तक मेरी
दाल चावल कुकर की एक सीटी लग रही है, तब तक हम अपनी कढ़ाई में इसका तड़का बना लेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 चम्मच देसी घी डाला हुआ है और इसमें हमने 10 से 12 टुकड़े काजू के डाले हुए हैं। इसे हम हल्का गुलाबी करेंगे। तो काजू मेरा गुलाबी हो गया, अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। साथ ही हमने लिया हुआ है आधा कटोरी, इसे भी हम हल्का गुलाबी करेंगे। तो मखाना भी मेरा गुलाबी हो चुका है, इसे भी हम अपनी कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम अपनी इसी कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच और घी। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग, साथ में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा भर के। इन सबको हम अच्छे से लाल करेंगे। जीरा मेरा अच्छी तरह से लाल हो गया है, तो अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच राई। राई भी मेरी तड़कने लग गई है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्ची और साथ ही डालेंगे हम 1 तेज पत्ता। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन सब चीज़ों को डाल के हम अपनी गैस को ऑफ कर देंगे। तो मेरा तड़का भी अच्छी तरह से बन के तैयार है। अब मैं कुकर को खोल के देख ले रही हूँ। तो अब मैं अपने कुकर को खोल के चेक कर ले रही हूँ, ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें जो हमने तड़का बना के रखा हुआ है उन सबको अच्छी तरह से डाल के मिक्स करेंगे। तो ये हमने अपने तड़के को खिचड़ी में डाल लिया हुआ है, अब हम इसे चलाएंगे। तो खूब अच्छी तरह से मेरी खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे अपने गुलाबी किए हुए काजू को, साथ ही हम डालेंगे मखाने को। इन सबको भी डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से हरी कटी धनिया। तो ये मेरी खिचड़ी खूब अच्छी तरह से बन के तैयार हो चुकी है खाने के लिए। तो ये मेरी मटर मखाना स्पेशल खिचड़ी बन के एकदम तैयार है। तो देखें कितनी अच्छी खिचड़ी बनके तैयार हो चुकी है, जो मुश्किल से 15-20 मिनट में ही बन गई है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। इसके साथ हम दही का रायता, पापड़, अचार और चटनी किसी भी चीज़ के साथ इसका आनंद ले सकते हैं। कई बार लोग खिचड़ी का नाम सुनकर खाना पसंद नहीं करते, पर यकीन मानिए एक बार आप इस तरह बनाएंगे तो बड़े क्या बच्चे भी मिनटों में प्लेट साफ कर देंगे और इसी में कई प्रकार की सब्जियां भी खा लेंगे, जो ज़्यादातर माओं की शिकायत होती है कि बच्चे सब्जी नहीं खाते। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही हेल्दी और नई रेसिपी के लिए, वो भी मेरी किचन से आपकी किचन तक। थैंक यू।